और बात करते हैं भारी बारिश और भूस्खलन की, क्योंकि जम्मू से खबर सामने आ रही है क्योंकि पूंछ और राजौरी में कहा जाता है कि भूस्खलन हुआ जिससे बुजुर्ग की मौत भी हुई है। और खबर इस वक्त की आपको बड़ी बता रहे हैं कि अचानक बाढ़ में दो लोगों के बह जाने की खबर है। इस वक्त की ताजा जानकारी और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पुलिस टीम और स्थानीय लोगों की तरफ से बचाव अभियान भी लगातार चलाया गया है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन रही होगी और दो लोगों के बह जाने की खबर भी इस वक्त आ रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि राजौरी कस्बे के पास दरहाली नाला में अचानक से बाढ़ आती है और वहाँ पर दो लोग बह जाते हैं। बुजुर्ग की खबर है कि बुजुर्ग की मौत हो गई है। इस वक्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, पल पल की अपडेट जम्मू कश्मीर से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूंछ हो या फिर राजौरी हो, अचानक से आई बाढ़ से लोग काफी परेशान हुए हैं। स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एक मौत की भी खबर है। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये राजौरी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग कितनी परेशानी में है क्योंकि अचानक से बाढ़ आई है। अभी तक जो है ये गुजरी रात को, मैं आपको वाकया बता दूं कि गुजरी रात को ये जो दो लड़के थे ये जो दराली नाले में कोई रेत बजरी बनने गए थे, तो अचानक ज़्यादा पानी जो है आने से इनकी जो है टिपर वो बह गया पानी में, और इस जो सवेरे इनका फिर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया पुलिस SDRF और आर्मी के थ्रू, और इसमें अभी तक एक डेड बॉडी जो है जिसका नाम सजाद अहमद है, सन ऑफ मोहम्मद असलम आरो सोकड़ कोटरंगा, उसकी डेड बॉडी मिली है। दूसरी डेड बॉडी की अभी तलाश है, यानी उसका भी जिंदा मिलने का तो पॉसिबिलिटी कम ही है। उसको कोशिश कर रहे हैं हमारी टीम्स पूरी जोर से जो है उसको तलाश कर रहे हैं। जो ये डेड बॉडी अगर मिली तो आपको करने करेंगे। सर, जिस तरह के हालात बन रहे हैं बारिशों के बाद, लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अगर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो राजौरी में भी काफ़ी जगह नदी नाले, लोगों के लिए कोई एडवाइजरी इस तरह की जारी की गई है और नदी नालों के रोकने? हाँ, एडवाइजरी तो नॉर्मली ये ऑपरेशन में रहती ही है, फिर भी हम जो है क्योंकि बारिशों का ज़्यादा जोर है, दोबारा एडवाइजरी लोगों तक पहुँचाने की हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। आप मीडिया हज़रात से भी गुजारिश है कि आप जो है लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। तो आपने सुना किस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। फिलहाल हमारे साथ जमशेद मलिक जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए पांच के पंच प्रोग्राम में। क्या खबर इस वक्त आप हमारे दर्शकों को अपडेट करेंगे कि बुजुर्ग की मौत की खबर है, क्या कुछ जानकारी? हर्ष, बिल्कुल, अगर कहें देर रात से ही राजौरी और पुंछ में काफी बारिशों का सिलसिला देखने को मिला और मूसलाधार बारिशों के दौरान ही देर रात को राजौरी के धराली नाला के बीच में नदी में से रेत पचरी निकालने वाला एक टिपर और उसमें चाचा भतीजा जो दोनों ड्राइवर और कंडक्टर थे इसमें शामिल थे, और उसी दौरान पानी का बहाव काफी बढ़ा जिसमें दोनों बह गए थे। और बहने के बाद आज सुबह सजाद अहमद जो चाचा भतीजा है इसकी डेड बॉडी थोड़ी दूर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर के बाद इसकी डेड बॉडी रिकवर कर ली थी, और इब्रार अहमद जो चाचा जी इसके बता रहे हैं उनकी डेड बॉडी की तलाश इस वक्त भी लगातार देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर राजौरी के और इलाकों की बात करें, कोटरंका इलाके में भी एक खड़ा टेम्पो जो खाली था जो रात को घर के दुकानों के बाहर खड़ा किया गया था वो भी पानी के साथ बह गया। कोटरंका के अंदर दो कच्चे मकान भी गिरे। वहीं दूसरी तरफ अगर पूंछ की बात करें, पूंछ के मंडी के इलाका पांडी कमा खान इलाके में पस्सी गिरने की वजह से एक कच्चा मकान उसकी जात में आया जिसमें 55 साल के एक शख्स की मौत हुई है जिसकी शिनाख्त अब्दुल करीम के तौर पर हुई। और दूसरी तरफ अगर राजौरी की हम बात करें तो काफी बारिशों के बाद लगातार अगर कोटरंका इलाके की बात करें या राजौरी के और इलाकों की बात करें इस तरह की खबरें सामने आ रही है। मगर जिस तरह इब्रार की बात सुनाई जा रही है, अभी भी इसके लिए थोड़ी देर पहले हमने पुलिस से बात की है, पुलिस का कहना उनकी तलाश के लिए काम किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ आज ज्यादा बारिश होने के कारण राजौरी के ख्योरा इलाके की अगर हम बात करें तो ख्योरा इलाके में भी काफी पानी लोगों के अंदर दुकानों के अंदर घरों के अंदर दाखिल हुआ, और वहां भी बताया जा रहा है कि एक बाहर का रहने वाला मजदूर था जब उसके घर के अंदर पानी दाखिल हुआ वो पानी को देख के बाहर की तरफ भागा, जब सड़क में पानी देखा तो उसको हार्ट अटैक हुआ। अभी तक इस तरह का दावा किया जा रहा है, उसकी भी मौत हो गई। इस तरह कुल मिलाकर अगर बात करें तो जिस तरह राजौरी के कोटरंका की या दराली नाले की बात करें तो दराली नाले के अंदर
जो सुबह रात को बह गए थे लोग, उनमें से एक की डेड बॉडी रिकवर कर ली और दूसरे की तलाश। हालांकि दोपहर के बाद मौसम थोड़ा खुशगवार जरूर हुआ, मगर इस वक्त दोबारा बादल कहीं ना कहीं छाए नजर आते जा रहे हैं। हर्ष, जिस तरह ये हालात देखते हुए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी काफी बढ़ रही थी और प्रशासन की तरफ से बार बार ऐलान किया जा रहा था लोगों से कि वो नदी नालों से दूर रहें, मगर देर रात को इस तरह ट्रक लेकर नदी के बीच में जाना बहुत खतरे के लिए था, खतरे खाली नहीं था, और वही खतरा सामने उभर कर आया जिसमें एक शख्स की इस वक्त तक मौत हुई और दूसरे की तलाश जारी है। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ वहां पर हालात उत्पन्न हुए हैं। लेकिन आपको अपना बहुत बहुत ख्याल रखने की जरूरत है।